नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। युधिष्ठिर जी को ज्ञान लेने की बड़ी कला है। ऐसा शोक करते हैं जैसे कोई मूर्ख आदमी करता है। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, इतना ज्ञान तूने सुना पितामह भीष्म से, व्यास जी से और ऋषि मुनियों से, रोता वैसा ही है, शोक वैसा ही करता है कि महाराज क्या करो, शोक होता है। क्यों होता है भाई? बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े धनी लोग चले गए। देखो राजा मरुत था, सोने का उसने कितना काम किया, स्तंभनी विद्या को प्राप्त करके, और उनका जो ऋत्विक था बृहस्पति का भाई, कितना बड़ा काम किया। इंद्र ने आकर लोभ दिया कि बृहस्पति जी यज्ञ करवा देंगे, तुम इसको छोड़ दो। उसने छोड़ा नहीं। देवता लोग आए, सुवर्ण की ढेरी लगा दी और कुबेर के समान सब ब्राह्मण लोग धनी हो गए। वे राजा लोग भी आज नहीं रहे तो बताओ अब कौन रहेगा? कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, आगे और समझा रहे हैं। धर्मराज, जहां कुटिलता होती है वहां मृत्यु का निवास है, जहां सरलता होती है वहां परब्रह्म परमात्मा का निवास है। इतनी बढ़िया बात है। कुटिलता माने मन में और बात हो, दिखावे कुछ और बात। कुटिलता मत रखो, जहां कुटिलता होगी वहां पर मृत्यु है, जहां सरलता होगी वहां परब्रह्म परमात्मा का निवास है। इस बात को ठीक समझ लेना, इसका नाम ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ है कोरी बकवाद है। कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं भगवान। किसी के प्रति कुटिलता मत रखो, कुटिलता रखने वाला कभी लाभ को प्राप्त नहीं होता। भला कुटिलता से किसको लाभ हुआ? ये इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन ने कितनी कुटिलता की, कर्ण ने कितनी कुटिलता की, बड़े बड़े योद्धाओं को कैसा झूठा झूठा झांसा दिया गया, अंत में दुर्योधन को क्या मिला? युधिष्ठिर, ये महाभारत का युद्ध केवल आप लोगों का युद्ध नहीं था, ध्यान से सुनना, ये तो प्रत्येक मनुष्य का युद्ध है। हर आदमी को अपने मन की सेना के साथ युद्ध करना है। तुम्हारे लिए तो महाभारत का युद्ध तो कुछ भी नहीं था, असली युद्ध अब उपस्थित हुआ है। तैयार हो, कर्तव्य का पालन करो, योग के द्वारा मन को वशीभूत करो, काम क्रोध लोभ अहंकार मद मात्सर्य ये सब मन की सेना है। मन इनका सेनापति है। इंद्रियों की अलग अलग प्रकार की वृत्तियां हैं, ये इसके सैनिक हैं। इनके साथ तुम्हें उम्र भर युद्ध करना है, मायामय जगत से पार होना है। मन के साथ होने वाले इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र सेवक भाई बंधु इनका काम नहीं है, इसमें केवल आपको लड़ना पड़ेगा महाराज। यदि संग्राम में आप मन को परास्त न कर सके तो पता नहीं आप कितने कितने युद्ध हारोगे, आपकी क्या दशा होगी ये मैं भी नहीं जानता हूं। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो कि यदि ये युद्ध जीत गए तो आप कृतार्थ हो जाओगे। क्या युधिष्ठिर, संसार में आप झांकते हो, प्राणी तो यूं ही जन्मेंगे यूं ही मरेंगे, आएंगे जाएंगे,
ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप दादाओं के द्वारा बनाई हुई मर्यादा का पालन करो, उचित रीति से शासन करो। वे मर गए इसलिए हम रोए, कैसी मूर्खता है। संसार में जो आता है उसको जाना पड़ता है, इस सत्य को क्यों नहीं गले उतारते। केवल बाह्य पदार्थों का त्याग करने से सिद्धि नहीं होती, बाह्य पदार्थों से अलग होकर जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त है उसको जिस धर्म और सुख की प्राप्ति होती है वो तुम्हारे शत्रुओं को प्राप्त हो। मम यानी ये मेरा है, ये दो अक्षर मृत्यु है, और न मम ये तीन अक्षर है, ये परब्रह्म परमात्मा है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा संसार में कुछ नहीं है, इससे बढ़कर और क्या ब्राह्मी स्थिति होगी युधिष्ठिर। ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमरता है, उसका त्याग अमरता है। चराचर सभी प्राणियों सहित समूची पृथ्वी को पाकर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती उस पुरुष की क्या हानि है। और वन में जंगल में अकेले रहकर फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हो लेकिन एक घास के पत्ते में भी ममता है तो वो मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर क्यों आप बाहरी त्याग को महत्व देते हो। आप बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव पर दृष्टिपात कीजिए। जो नुकसान, ध्यान से सुने, जो नुकसान जो हानि आपको दुर्योधन ने नहीं पहुंचाई, कर्ण ने नहीं पहुंचाई, दुशासन ने नहीं पहुंचाई, वो हानि आपका ये मन पहुंचाएगा। जो मायिक पदार्थों को ममता की दृष्टि से देखता है वो अपना स्वयं शस्त्र लेकर के सिर काटता है। मैं ही तलवार ले लूं और अपना सिर काटू हूं, लोग कहेंगे भाई अपने आप ही सिर काट लिया। ऐसे ही जो मायिक पदार्थों को ममता की दृष्टि से देखता है वो अपने ही हाथ से तलवार लेकर अपना ही सिर काटता है। वो महान भय की ओर जाता है। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है उसकी संसार में प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त कामनाएं मन से प्रकट होती हैं। विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण जानकर उसका परित्याग करते हैं। योगी पुरुष अनेक जन्मों के अभ्यास से योग को मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश करते हैं। जो इस बात को जानता है वो वेद अध्ययन तपस्या दान श्रेष्ठ कर्म व्रत नियम उपवास सबका काम कर गया। जिस कर्म से वह कुछ कामना रखता है वो कभी धर्म नहीं होता। युधिष्ठिर इतनी सीधी सादी बात है, क्यों नहीं समझते आप। कैसा फटकारा भगवान। वास्तव में कामनाओं का निग्रह धर्म है और यही मोक्ष का बीज है। इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान कामगीता के नाम से एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। कामना कहती है कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय का आश्रय लिए बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। कामना बोलती है जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके मुझे नष्ट करने का प्रयत्न करता है उसके उस अस्त्र बल में मैं अभिमान के रूप में प्रकट होती हूं। जो नाना प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा मुझे मारने का उद्योग करता है उसके चित्त में मैं वैसे ही पैदा होती हूं जैसे उत्तम योनियों में धर्मात्मा पैदा होता है। जो वेद और वेदांत के स्वाध्याय रूप साधनों के द्वारा मुझे दबाने की कोशिश करता है उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में जीवात्मा के भांति अव्यक्त रूप से निवास करती हूं।
जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे मिटाने का प्रयत्न करता है, उसके मानसिक भावों के साथ मैं इतनी घुल मिल जाती हूं कि वो मुझे पहचान नहीं पाता है। जो उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पुरुष तपस्या के द्वारा मेरे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है, उसकी तपस्या में मैं प्रकट होती हूं। जो मोक्ष की अभिलाषा रखकर मेरे विनाश का प्रयत्न करता है, उसकी मोक्ष के प्रति आसक्ति का विचार करके मुझे हंसी आती है तथा मैं खुशी के मारे नाचने लगती हूं। ये खुशी मेरा स्वरूप है। इसलिए आप नाना प्रकार के दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अपनी कामना को धर्म में लगाओ। ऐसा करने से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। अन्य अन्य यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए, इससे आपको इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। इस प्रकार वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वेदव्यास, देवस्थान, नारद, भीम और बड़े बड़े शास्त्रवेत्ता ब्राह्मणों के समझाने पर युधिष्ठिर का शोक जनित दुख दूर हुआ और उन्होंने मानसिक चिंता छोड़ दी और सबका ज्ञान लेकर बड़े प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर के चेहरे पर जब बहुत प्रसन्नता छाई तो भगवान ने जाकर युधिष्ठिर को अपने छाती से लगाया। तदनंतर मरे हुए बंधु बांधवों का श्राद्ध करके वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य करने लगे। जब उनका चित्त शांत हो गया, वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद तथा अन्य अन्य मुनिवरों से बोले, महानुभाव, आप लोग इस संसार में श्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि संत महापुरुष संसार में न होते तो हमारे जैसे अज्ञानी लोग कितना संसार में धक्का खाते कोई अंदाज नहीं है। आपकी बातों से मुझे बड़ी सांत्वना मिली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब मेरे मन में तनिक भी दुख नहीं है। इधर पर्याप्त धन भी मिल गया जिससे मैं आप लोगों की देखरेख में देवताओं का यज्ञ करूंगा। अब आप लोगों के सामने यज्ञ करूं और आप उस यज्ञ की सारी विधि बताओ। व्यास जी, हम लोग आपकी रक्षा में रहकर हिमालय पर्वत पर चलेंगे। सुना जाता है वहां का प्रदेश अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों से भरा है। आपने, देवर्षि नारद ने, मुनिवर देवस्थान ने बहुत सी अद्भुत बातें बताई हैं जो मेरा कल्याण करने वाली हैं। महान सौभाग्यशाली पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी को संकट के समय आप जैसे साधु सम्मानित हितेशी गुरुजनों का दर्शन सुलभ नहीं होता है। कोई बड़ा भारी सौभाग्यशाली पुरुष होता है उसको आप जैसे महात्माओं का संग मिलता है। राजा युधिष्ठिर इस प्रकार सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सब ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण तथा अर्जुन की अनुमति राजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण तथा अर्जुन की अनुमति लेकर ये जितने ऋषि आए थे, ये सब ऋषि युधिष्ठिर, कृष्ण और अर्जुन की अनुमति लेकर सबके देखते देखते वही अंतरित हो गए। इस प्रकार सभी पांडव भीष्म की मृत्यु के बाद सब प्रकार का पवित्र कार्य संपन्न करते हुए कुछ काल तक वहीं रहे। उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि कुरुवंशियों के निमित्त अर्धदैहिक क्रिया करवाई, अर्थात श्राद्ध करवाया, ब्राह्मणों को दान दिया। तत्पश्चात सबने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र को सांत्वना देकर भाइयों सहित पृथ्वी का
शासन करने लगे। जनमेजय ने पूछा कि हे वैशंपायन जी, जब पांडव विजयी हो गए और राज्य में सब और शांति स्थापित हो गई, उसके बाद श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने क्या काम किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पांडवों ने संग्राम में विजय पाकर जब राज्य में सब और शांति फैला दी तो कृष्ण और अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों आनंदित होकर विचित्र विचित्र जंगलों में, पर्वतों में, शिखरों में खूब घूमने लगे। घूम फिरकर वे इंद्रप्रस्थ लौट आया करते, आनंद पूर्वक रहने लगे। क्या बात पूछते हो? ये तो नर नारायण है, आपस में बहुत प्रेम रखते थे। एक दिन बातचीत के प्रसंग में वे दोनों देवताओं, ऋषियों के वंश की चर्चा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले थे। उन्होंने अर्जुन को विचित्र अर्थ और पदार्थों से युक्त बड़ी मीठी मीठी कथाएं सुनाई। कथा समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति युक्त और कोमल वाणी के द्वारा अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, पार्थ, धर्मराज युधिष्ठिर ने तुम्हारा बाहुबल का सहारा लेकर तथा भीमसेन तथा नकुल सहदेव के पराक्रम से समूची पृथ्वी प्राप्त कर ली। आज वे शत्रुहीन भूमंडल का राज्य भोग रहे हैं। ये अकंटक साम्राज्य उन्हें धर्म के लिए, धर्म के बल से प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर के पुत्र अधर्म में रुचि रखने वाले लोभी, कटुवादी, दुरात्मा थे, इसलिए वे अपने बंधु बांधवों सहित मारे गए। अर्जुन, तुम्हारे साथ रहने पर मुझे तो निर्जन वन में भी सुख मिलता है, फिर जहां इतने लोग और मेरी भुवा कुंती हो, वहां की तो बात ही क्या है। जहां धर्मराज, राजा युधिष्ठिर, महाबली भीमसेन, माद्री नंदन, नकुल सहदेव रहते हैं, वहां मुझे बहुत आनंद मिलता है। इस सभा भवन के रमणीय और पवित्र स्थान को देखकर मुझे स्वर्ग भी कुछ नहीं लगता है। यहां तुम्हारे साथ रहते हुए बहुत दिन हो गए। इतने दिनों तक मेरे पिताजी ने मुझे नहीं देखा है, मां देवकी जी ने नहीं देखा है, भैया बलभद्र जी ने नहीं देखा है, और मेरे वृष्णिवंशियों ने भी नहीं देखा है, मैंने भी उनको नहीं देखा है, इसलिए मैं अब द्वारिकापुरी जाना चाहता हूं। आशा है तुम मेरे इस विचार से सहमत हो जाओगे। मां बाहो, यदि तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे मेरे द्वारका जाने का प्रस्ताव करो। मेरे प्राणों पर संकट आ जाए तब भी मैं धर्मराज का अप्रिय नहीं कर सकता, फिर द्वारका जाने के लिए उनका दिल दुखाऊं, यह तो हो ही नहीं सकता है। पार्थ, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैंने जो कुछ किया या जो कुछ कहा, जो कुछ मैं करता हूं, सब तुम पांडवों की प्रसन्नता के लिए करता हूं, तुम्हारे हित की दृष्टि से करता हूं। अब मेरा यहां रहने का काम पूरा हो चुका है। मेरी धृतराष्ट्र के पुत्रों पर बड़ी नजर थी। मैं बराबर सोचता था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा संसार में बहुत बड़ा अधर्म रुकना चाहिए, पर मैं स्वयं तो कुल का नाश कर नहीं सकता था। भगवान ने कहा कि धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और सहायकों सहित मारा गया तथा समुद्र से गिरी हुई सारी पृथ्वी, पर्वत, वन और कान्नों सहित ये पांडवों के अधीन हो गई। अर्जुन, मुझे बहुत प्रसन्नता है, इसलिए अब तुम भी मेरे साथ चलकर महाराज से मुझे द्वारिका जाने की आज्ञा दिलाओ। मेरे घर में जो कुछ धन संपत्ति है, मेरा ये शरीर धर्मराज की सेवा में समर्पित है। मैं धर्मराज युधिष्ठिर को परम प्रिय और माननीय मानता हूं। अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के सिवा यहां मेरा रहने का कोई प्रयोजन नहीं रहा।
मुझे द्वारिका जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमित पराक्रमी अर्जुन ने उनकी बात का आदर करते हुए बड़े दुख के साथ उनके जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। जन्मेजय ने पूछा, हे ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातें हुई? वैशंपायन जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में जा पहुंचे जहां स्वर्ग का सा सुख था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से कहा, हे देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया हूं। उन विषयों को सुनने की मेरे मन में बार बार इच्छा हो रही है। आप तो जब द्वारिका जाने की बात करते हैं, द्वारिका जाने से पहले आप हमको वो गीता का ज्ञान सुना दीजिए जो आपने मुझे युद्ध में सुनाया था। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगाया और उसका उत्तर दिया। कृष्ण ने अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी ना समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, ये जानकर मुझे बड़ा खेद है। उन बातों का पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता है। अर्जुन, कितने प्यार से मैंने तुझे वो गीता का ज्ञान दिया, तुम श्रद्धाहीन हो गए, तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई। अब मेरे लिए उस उपदेश का ज्यों का त्यों दोहराना बड़ा कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। महाराज जी कहा करते थे इस विषय में कि भगवान कभी योग युक्त होते हैं, कभी योग युक्त नहीं होते हैं, ऐसी दशा होती है क्या? भगवान तो सदा नित्य योग में ही रहते हैं, फिर यहां ऐसा क्यों बोले? यहां अर्जुन को सावधान करने के लिए बोले। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं, इससे तुम्हें श्रेष्ठ और स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, फिर तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओगे। एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर मेरे पास आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष के विषय में प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उत्तर दिया, वो मैं तुम्हें बतला रहा हूं। कोई अन्यथा विचार न करके तुम सावधानी से सुनो। ब्राह्मण ने कहा, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए यह मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, इसका मैं उत्तर दे रहा हूं,
सावधान होकर मेरी बात का श्रवण करो। देखो ब्राह्मण भगवान को कहता है कि सावधान होकर सुनो, कर भगवान एकदम सावधान होकर सुनते हैं। प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक धर्मात्मा और तेजस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध ब्रह्मर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में निपुण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। कौन? कश्यप जी। काश्यप, काश्यप माने कश्यप के गोत्र में होने वाला या नाम भी। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ रहते, बात करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त नहीं होती लेकिन सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वे स्वच्छंदता पूर्वक अनासक्त भाव से सर्वत्र विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपयुक्त महिमा सुनकर ही वे उनके पास गए थे, सिद्धों के पास। निकट जाकर उन मेधावी तपस्वी धर्माभिलाषी एकाग्रचित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्माओं के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और अद्भुत संत थे, उनमें सब प्रकार की योग्यता थी, शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे उन्हें गुरु मानन उनकी सेवा में लग गए और अपनी विशेष शुश्रूषा गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। जनार्दन अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि नाम से उपदेश दिया, वो मैं तुमको सुनाता हूं। सिद्ध महापुरुष ने कहा कि मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है, केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करता है, लेकिन इस जीव को कहीं सुख नहीं मिलता। लोक तो ऊंचा है पर सुख उसको मिलता नहीं। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए, उनके फल स्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा, बार बार जन्मा, बार बार मरा, तरह तरह के पदार्थों को खाया, भोजन किया, अनेकों का दूध पिया, बहुत से मेरे पिता हुए, बहुत सी मेरी माताएं हुई, बहुत प्रकार का सुख दुख देखा। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वो मेरे सामने देखते देखते नष्ट हो गया। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े, अत्यंत दुस्सह शारीरिक और मानसिक वेदनाएं सहनी पड़ी, अनेकों बार घोर अपमान हुआ, प्राणांत दंड मिला, बड़ी बड़ी कैद की सजाएं मिली, नरकों में पड़कर यमलोक को भोगा, इस लोक में अनेक जन्म लेकर बारंबार बुढ़ापा का, रोग राग द्वेष आदि द्वंद्वों का अनुभव किया। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा संताप हुआ और मैंने दुखों से घबराकर रोकर भगवान की शरण ली और कहा, हे प्रभु, अब मेरा कोई नहीं बचा है, समस्त लोक व्यवहार मैंने भगवान के लिए त्याग दिया। इस तरह अनुभव करने के पश्चात मैं इस मार्ग का आश्रय पर चलता रहा, परमात्मा की कृपा से मुझे बड़ी शांति मिली, अब मैं पुनः संसार में नहीं आऊंगा। जब तक ये सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूंगा। इस प्रकार मुझे उत्तम सिद्धि मिली है, इसके बाद उत्तम लोकों में जाऊंगा, ब्रह्म पद को प्राप्त करूंगा। अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे बड़े परमात्मा का आश्रय ले लिया है। मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। काश्यप, बोलो तुम्हारा कौन सा कार्य करूं?
तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो उसके संपूर्ण होने का समय आ गया है। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूं और शीघ्र ही यहां से जाने वाला हूं, इसलिए स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए बोल रहा हूं। तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता हूं, उसे बहुत आदर देता हूं। तुमने मुझे पहचान लिया, इसी से कह रहा हूं तुम बड़े बुद्धिमान हो। काश्यप ने पूछा, महात्मन, पूछने लायक तो मेरे पास बहुत सी बातें हैं। काश्यप ने पूछा कि महाराज, पूछने लायक मेरे पास बहुत सी बातें हैं, कारण कि जब तक परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता है तब तक मनुष्य के मन में कई प्रकार के संदेह रहते हैं। ये शरीर किस प्रकार ऊंचे से नीचे गिरता है, दूसरा शरीर कैसे मिलता है, संसारी जीव किस तरह दुखमय संसार से मुक्त होते हैं, मूल अविद्या क्या है, उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग किया जाता है, एक शरीर से छूटकर दूसरे में किस प्रकार प्रवेश करता है, मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और न रहने पर भी उसके कर्म कहाँ रहते हैं, ये मैं आपसे, शरीर न रहने पर उसके ये कर्म कहाँ रहते हैं, इत्यादि मेरे प्रश्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, कृष्ण, काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महर्षि ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सिद्ध ने कहा, काश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन जिन कर्मों को करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में मैं विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। वह अपने धैर्य बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण ऐसमय में अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है, अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं उनका सेवन करता है, कभी बहुत अधिक खाता है, कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता, कभी दूषित अन्नपान को ग्रहण करता है, कभी दूसरों से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों का एक साथ खा जाता है। जिस दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में चट कर जाता है, कभी वह एक बार खाया हुआ अन्न पचने में भी नहीं पाता कि दूसरी बार भोजन करने बैठ जाता है, अधिक मात्रा में व्यायाम करता है, स्त्री सेवन करता है, काम करने के लोभ से सदा मल और मूत्र के वेग को रोके रखता है, रसीला अन्न भोजन करता है और दिन में सोता है, तथा कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित करता है। उन दोषों के कुपित होने पर वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है और इन्हीं प्रकार से उसका शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार संसार के सभी जीव वेदनाओं से ग्रस्त और जन्म मरण के भय से सदा उद्विग्न रहते हैं। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप रस आदि विषयों का अनुभव करता है उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान सकता। इस शरीर के भीतर रहकर जो सब कार्य करता है वो सनातन जीव है। अंतकाल उपस्थित होने पर अविद्या के द्वारा जीव की ज्ञान शक्ति लुप्त हो जाती है, उसके मर्म स्थान अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रहता है और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। तब वह जीवात्मा बारंबार लंबी लंबी सांस छोड़कर बाहर निकालता है, तब सहसा इस जड़ शरीर को कंपित करता है। शरीर से अलग होने पर वह अपने किए हुए पाप पुण्यों से एक साथ घिर जाता है। जिन्होंने वेद शास्त्र के सिद्धांतों का ठीक अध्ययन किया है ऐसे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण
लक्षणों के द्वारा ये जान लिया करते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापात्मा रहा है। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते या खद्योत को देख लेते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी ज्ञानमय दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते और गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। शास्त्र के अनुसार जीव के तीन स्थान हैं, मर्त्यलोक, स्वर्गलोक और नरकलोक। ये मर्त्यलोक की भूमि जहां बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। यही शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसका यथा योग्य फल प्राप्त करते हैं। यही पुण्य कर्म करने वाले जीव स्वर्ग में जाकर कर्मानुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं और पाप करने वाले नरक में पड़ते हैं। ये जीव की अधोगति मानी जाती है, घोर कष्ट देने वाली होती है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकाग्नि में पकाए जाते हैं। यातना से छुटकारा मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए पाप कर्म से अलग होकर अपने को नरक से बचाने का ध्यान रखना चाहिए। जहां ये समस्त ताराएं, जहां चंद्रमंडल प्रकाशित होता है तथा जिस लोक में सूर्यमंडल अपनी किरणों से देदीप्यमान दिखाई देता है, उन सबको तुम पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य के स्थान समझो। सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश जहां फैलता है वो मनुष्य स्थान है। पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्य का फल भोगते हैं। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वे नीचे गिरते हैं। वह ये आवागमन की परंपरा बराबर लगी रहती है। ऊपर के लोकों में ऊंच नीच मध्यम का भेद रहता है, इसलिए वहां निवास करने वालों को भी दूसरों का तेज और ऐश्वर्य अपने से अधिक देखकर मन में संतोष नहीं होता है। इस प्रकार जीव की सभी गतियों का मैंने पृथक पृथक वर्णन कर दिया है। अब बताता हूं कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जीवन धारण करता है, तुम इसे एकाग्रता पूर्वक सुनो। अब ये जीव गर्भ में कैसे आता है उसके बारे में बात चलती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण।